गुड इवनिंग एवरी वन हम लोग आज कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन uh, क्लास करेंगे नाउ नॉर्मली वी हैव डन फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर एंड अव पार्टनरशिप फर्म्स राइट आज हम लोग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग करेंगे ठीक है नाउ इफ आई टेल यू कि सपोज अगर मेरे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है किसी सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का अगर मेरे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है राइट right? तो अपन क्या बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं अगर ये नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है तो और अगर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है तो एक्स्ट्रा में अपन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बनाते हैं नाउ देर इज नो सच लॉ विच गाइड्स द प्रिपरेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फाइनेंशियल स्टेटमेंट राइट अपन बैलेंस शीट बनाते हैं। उसमें खाली अपन मार्शलिंग फॉलो करते हैं बट क्या क्लासिफिकेशन होना चाहिए किस टाइप से क्लासिफिकेशन होना चाहिए कोई प्रेस्क्राइब रूल्स नहीं है अगर आप इनकम टैक्स का जब हम लोग रिटर्न फाइल करते हैं ना इनकम टैक्स को बताना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताना पड़ता है कि आपने क्या अर्निंग्स किया है व्हाट व्हाट आर योर अर्निंग्स ऑफ द बिजनेस तो उसमें आपको पीएल बैलेंस शीट जमा देना पड़ता है तो वहां पर उनका एक अपना प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है बट एज फार एज माई बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपरेशन देर इज नो सच स्पेसिफाइड फॉर्मेट देर इज नो सच लॉ वर्निंग प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सोल प्रोप्राइटरशिपनेशियल स्टेटमेंट बनाते हैं फर्दर जब सोल प्रोप्राइटरशिप का हम लोग अकाउंटिंग करते हैं तो हम लोग इंस्टीट्यूट ऑफ चार्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं राइट right? कौन सा वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड Issued by ICAI. अगर मैं पार्टनरशिप अकाउंट्स की बात करूं तो पार्टनरशिप अकाउंट्स में ये देखा गया है कि वहां पे एक इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है तो जो भी नेट प्रॉफिट वगैरह होता है इट इज गेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड एज पर द लॉ अगर आपका पार्टनरशिप डीड है तो वेल एंड गुड है पार्टनरशिप डीड नहीं है तो जो कानून में जो लिखा है पार्टनरशिप एक्ट में जो लिखा है उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होगा वहां पर भी यू विल फाइंड दैट देर इज नो सच स्पेसिफिक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट की बैलेंस शीट इस तरीके से बनना चाहिए इस तरीके से क्लासिफिकेशन होना चाहिए अकाउंट का चार मेन क्लासिफिकेशन होते हैं एक्सपेंस इनकम एसेट लाइबिलिटी एक्सपेंस इनकम ट्रेडिंग फिल्म में आएगा एसेट लाइबिलिटी बैलेंस शीट में आएगा एक्सपेंस में भी हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस इनकम में भी डायरेक्ट इनकम इनडायरेक्ट इनकम बैलेंस शीट में अपने परमानेंस के बेसिस पे बनाते हैं, लिक्विडिटी नहीं परमानेंस में जो रिजिड है सबसे ऊपर आएगा, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग एसेट की बात करूं तो फिर प्लांट एंड मशीनरी, फिर फर्नीचर उसके बाद स्टॉक, डेटर कैश मोस्ट लिक्विड विल कम नीचे लाइबिलिटी में मेचोरिटी टेन्योर इक्विटी को पैसा कब चुकाएंगे जब कंपनी बंद होगा तो वो सबसे ऊपर आएगा उसके नीचे डिवेंचर होल्डर उसको पांच साल दस साल में पैसा चुकाएंगे उसके नीचे आएगा करंट लाइब्रिटी जिसको बारह महीने के अंदर अंदर पैसा चुकाना है तो जो लिक्विड होता है वो एकदम नीचे आएगा परमानेंस वाला चीज ऊपर आएगा जो परमानेंट नेचर का है ये जो भी प्रिपरेशन होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ये इंडस्ट्री में यही प्रैक्टिस सालों से चला आ रहा है हालांकि इसका कोई नॉर्म्स नहीं है कोई चीज करते करते वो एक प्रैक्टिस बन जाता है वो रूल बन जाता है राइट right? इतने सालों से इस चीज का ऐसा चलते आ रहा है है चाल चलन हालांकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब हमसे इंफॉर्मेशन मांगती है कि आप ना आपका बिजनेस का पीएल सबमिट करिए आपका बिजनेस का बैलेंस शीट का डेटा बताइए तो वहां पे इनकम टैक्स अपने प्रेस्क्राइब फॉर्मेट दे रखी है आपको खाली उसके बगल में फिगर बैठाना है राइट right? हम लोग कैपिटल में एड नेट प्रॉफिट करते हैं लेस ड्रॉइंग्स करते हैं ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उतना कुछ मांगता ही नहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है सीधा क्लोजिंग कैपिटल बताओ राइट right? एसेट के केस में वहां पे दो फिगर होते हैं ग्रॉस लेस डिप्रीसी नेट सर आप बोलना क्या चाहते हैं मैं ये बोलना चाहता हूं अकाउंटिंग जब अपन करते हैं अपने बहुत सारा रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करते हैं

लेकिन आज हम लोग बात करें कंपनी का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग नॉट नॉर्मल फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में बात हो तो मुद्दा क्या है हमारा फॉर्मेट क्या होगा यहां पर भी कंपनी को भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लागू होगा कौन सा वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लागू होगा इंडिया में अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी एक बॉडी बनाकर रखी है नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नकास फर्दर कंपनीज आर गवर्न बाय कंपनी लॉ 2013 कुछ कुछ कंपनी का स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होता है सो अगेन दे हैव टू फॉलो सेबी का गाइडलाइंस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एक्सचेंज रिक्वायरमेंट सोल प्रोप्राइटरशिप में इफ रिवॉर्ड दैट बिलोंग्स टू द ओनर कंपनी में स्टीवरशिप मैनेजमेंट है पैसा कोई और लगाता है बिजनेस चलाता कोई और है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स राइट पैसा मैंने लगाया कंपनी चला कोई और रहा है एंड हम लोग को यह भी मालूम है कंपनी को सेपरेट लीगल एंटिटी भी बोला जाता है हालांकि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज नॉट सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर अकाउंटिंग करने के लिए सेपरेट माना जाता है बट विथ रेस्पेक्ट टू इनकम टैक्स इट इज नेवर रिगार्डेड ए सेपरेट क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का टैक्स ओनर खुद देता है तो मेरे मन में काफी सारा सवाल आ रहा है एक दो सवाल नहीं आ रहा बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कंपनी में अकाउंटिंग कैसे होगा कंपनी लीगली सेपरेट है ओनर से ओनर का, का काम खाली पैसा लगाना है, चलाता उसको कोई और है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है कंपनी में अकाउंटिंग कैसे किया जाएगा कंपनी में कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम लोग फॉलो करेंगे विच बॉडी का कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा उसका फॉर्मेट कौन प्रेस्क्राइब करेगा सोल प्रोप्राइटर में बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बनाने से भी चल जाता है सोल प्रोप्राइटरशिप में बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बनाने से भी चल जाता है लेकिन कंपनी के केस मैंडेटरी राइट देर इज सम स्पेसिफाइड फॉर्मेट जिसके बेसिस पे हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ड्राफ्ट करते हैं तो ये सारा सवाल का जवाब आपको मिलेगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि जब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं प्रोप्राइटरशिप का या पार्टनरशिप का तो थोड़ा सा लिबर्टी है लिबर्टी इन द सेंस विथ रिस्पेक्ट टू फॉर्मेट हालांकि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो सोल प्रोप्राइटर में फॉलो करते थे सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल अब कंपनी में भी फॉलो करेंगे

AICPA ए यूएस वाला जितना भी अकाउंटिंग बॉडी है ना जो लोग भी अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया है इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को बेस करके बनाया है राइट द बेस इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल उसके बेसिस पे अकाउंट्स को ड्राफ्ट किया जाता है फर्क सिर्फ इतना ही है किसी कंट्री में जब वो लोग अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाता है अपना अकाउंटिंग प्रिंसिपल डेवलप करता है तो कुछ कुछ को लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देता है कुछ कुछ को एकदम नहीं देता जैसे कि मैं अगर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बॉडी का बात करूं या यूएस गैप का बात करूं वहां पे फेयर वैल्यू को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है हमारे इंडिया में इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में फेयर वैल्यू को बहुत लीस्ट इंपॉर्टेंस दिया गया है कहीं कहीं पे प्रूडेंस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है राइट

तो यहां पे ये सब चीज का जानकारी होना बहुत जरूरी है इसीलिए हम लोग का सबसे बड़ा टारगेट है वी नीड टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग फर्स्ट हालांकि जनरल एंट्री वही रहने वाली कैश सेल्स का एंट्री चेंज नहीं होगा जैसे अपन जब पार्टनरशिप पढ़ता था तो कोई पार्टनर जब आता था कोई पार्टनर रिटायर होता था तो कुछ कुछ एडजस्टमेंट्स करते थे ना अपन वैसे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग होगा तो कुछ कुछ एडिशनल चीज भी बनाना पड़ेगा

ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन टू बी शेयर विद द इन्वेस्टर्स टू द स्टेक होल्डर्स बिकॉज यहां पर चलाता कोई और है पैसा कोई और लगा रहा है राइट right? काफी सारा लॉस का यहां पर इंटरवेंशन है राइट right? क्या 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 सीखेंगे हम लोग देखो

नो ये ट्रू एंड फेयर व्यू होता क्या है ट्रू एंड फेयर व्यू मैं आपको बताता हूं मैंने क्या बोला मान लो एक कंपनी है राइट right? इसको अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है राइट right? हमारे इंट्रोडक्शन क्लास में हमने आपको ऑलरेडी बता दिया था जो भी इंफॉर्मेशन हम जनरेट करेंगे स्टेक होल्डर्स के लिए करेंगे स्टेक होल्डर उसके बेसिस पे डिसीजन लेगा यहां पे पैसा कोई और लगा रहा है चला कोई और रहा है ज़्यादा इंफॉर्मेशन का दरकार है और रिलायबिलिटी बढ़ाने के लिए कोई थर्ड पार्टी को अपॉइंट करेंगे कि ऑडिट करो वो थर्ड पार्टी कौन होगा चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा राइट right? तो कंपनी में एक तो कंपनी लॉ अप्लाई करेगा इसको कंपनी लॉ का सारा प्रोविजन कंप्लाई करना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेबी एक्सचेंज रिक्वायरमेंट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ना इतना सब कुछ है ना हा है ना तो ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब क्या है बैलेंस शीट टोटल मैच कर गया है? नहीं ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब है क्या कंपनी ने ये सारे लॉस को कंप्लाई किया है इसका मतलब होता है ट्रू एंड फेयर व्यू ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं है कोई काटाकूटी नहीं है बैलेंस शीट सब सुंदर बनाया हुआ है सब कुछ अच्छे से बनाया है टोटल मैच कर गया है और प्रॉफिट आया है लॉस नहीं आया है बहुत जन को ऐसा लगता loss है लॉस आया तो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं है पहले ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब समझो ट्रू एंड फेयर व्यू डज नॉट मीन इट इज ब्यूटिफुली ड्राफ्टेड द टोटल इज मैचिंग कंपनी इज शोइंग प्रॉफिट ट्रू एंड फेयर यू मींस कंप्लायस विथ एप्लीकेबल लॉज एप्लीकेबल लॉज अब इस नॉलेज का सपोज करो मैं यूएस चला गया मैं यूएस में किसी कंपनी का अकाउंटिंग कर रहा हूं यूएस गैप वहां का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम यूएस गैप है सॉक्स एक्ट सार्बन ऑक्सली एक्ट वहां का कंपनी लॉ का नाम है राइट पीसीओएबी पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड वहां का जैसे हमारे यहां से भी है वहां पर भी एक है सिक्योरिटीज एक्सचेंज uh, लो ऐसा करके है इन सब कानून को कंप्लाई किया है कि नहीं कंपनी ने कंप्लाई किया है तो ट्रू एंड फेयर वैल्यू इज अचीव्ड आर यू कंप्लाइंट हाँ

कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में है अकाउंटिंग एंट्री वही है प्रेजेंटेशन डिफरेंट है वहां हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट होता है तो यहां वर्टिकल फॉर्मेट है इंपॉर्टेंट नहीं होता लेकिन यहां पर ग्रुपिंग क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है जैसे करो मैंने एक लोन लिया और वो लोन 20 साल का लोन है मेरे लिए लाइबिलिटी है दो टाइप की लाइबिलिटी करेंट लाइबिलिटी होती नॉन करेंट लाइबिलिटी करेंट लाइबिलिटी होती है जो बारह महीने के अंदर अंदर हमको चुकाना है तो ये जो लोन है इसको ब्रेक करेंगे आने वाला बारह महीना का जो किस्त होगा वो तो करेंट हो गया ना करेंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन लोन बीस साल का है लेकिन उसका एक करंट पोर्शन होगा जो आने वाला बारह महीने में चुकाऊंगा वो करंट लाइबिलिटी में आएगा और उसके बाद वाला रिमेनिंग लोन लॉन्ग टर्म लोन्स में आएगा सो ग्रुपिंग क्लासिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर कहीं पर भी कुछ भी घुसा के दिखा देने से नहीं होगा राइट सो प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है काफी सारा इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है पीएल का फॉर्मेट पे राइट right? ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब हो गया कंप्लायंस विद ऑल द एप्लीकेबल लॉज तो कंपनी को चला कौन रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जिम्मेदारी है ये चेक करेगा ट्रू एंड फेयर व्यू अचीव हुआ है कि नहीं इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू चेक वेदर ट्रू एंड फेयर व्यू हैज बीन अचीव क्लियर ऑडिटर क्या करेगा ऑडिटर एग्जामिन करेगा कि वेदर सच कंप्लायंस हैज बीन डन और नॉट अकॉर्डिंगली वो अपना ओपिनियन देगा ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स इसको बनाया किसने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने पैसा कोई और लगाया तो डायरेक्टर लोग घोटाला कर सकता है ना ग्रीडीनेस करप्शन विद इन द कंपनी नीचे से लेकर ऊपर का सब आदमी लोग को पैसा खिला दिया पैसा कंपनी को खाली कर दिया शेयर होल्डर का डायरेक्टर का नहीं है मेरे पास पैसा है दिमाग नहीं है तो हम क्या करेंगे तुम प्रोडक्शन में अच्छा है तुमको सामान बेचना आता है तुमको ऑपरेशन का काम आता है तुम मार्केटिंग अच्छा से देखेगा तुम फाइनेंस का काम देखेगा टॉप टॉप प्रोफेशनल्स को हायर करता हूं मैं टीम बनाता हूं वो लोग चलाता है तो उसमें से किसी की नियत फिर सकता है ऑडिटिंग करवाते हैं रिलायबिलिटी बढ़ाने के लिए क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ाने के लिए तो लोग sure अचीव हाँ, लो लो कर लिया है सब कुछ सही है सब और सारा कानून कंप्लाइड है राइट right? तो ऑडिटिंग का पार्ट अलग चीज हो गया हम लोग को खाली प्योर अकाउंटिंग पे फोकस करना है राइट right? चलिए सबसे पहला बात जब भी आप कॉरपोरेट अकाउंटिंग करेंगे कंपनी लॉ को आप भूल नहीं सकते कॉरपोरेट अकाउंटिंग के लिए कंपनी लॉ मां है मां जो बोलेगी बेटा को या बेटी को करना पड़ेगा सीधा सा बात है कंपनी लॉ इज द मदर फॉर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जो जो कंपनी लॉ में लिखा है उसको फॉलो करके करना है कंपनी लॉ बोलता है ये बनाना है तो ये बनाना है कंपनी लॉ बोलता है ये वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना है तो करना है सब कंपनी लॉ बताएगा राइट right? अभी मैंने आपको क्या बताया देखिए मैं खाली आपको खाली मार्किंग करवाऊंगा मैंने जो जो डिस्कशन करना था मैंने कर दिया है कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं कोई कानून नहीं है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोल सकता है आप अपना नेट प्रॉफिट बताइए राइट right? आपको मालूम है सोल प्रोप्राइटरशिप लोग एट परसेंट ऑफ सेल्स नेट प्रॉफिट बता सकता है इसको बोलते प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन स्कीम कैन डिस्कलोज एट परसेंट ऑफ मेरे को कोई बुक्स कुछ नहीं बनाना पंद्रह लाख मेरा सेल्स है उसका आठ परसेंट कर लो एक लाख बीस हजार हमने कमाया है और उसे एक लाख बीस हजार पे टैक्स दे दो कंपनी के लिए स्टेटूटरी ऑब्लिगेशन है और कंपनी सोल प्रपेटर के लिए तो कोई लीगल ऑब्लिगेशन है ही नहीं लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुछ कुछ केसेस में बोल के रखा कि अगर आपका टर्नओवर एक करोड़ को क्रॉस करेगा आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा हालांकि कोई कानून नहीं है सो पार्टनरशिप अकाउंटिंग के लिए पार्टनरशिप एक्ट है लेकिन पार्टनरशिप एक्ट में पार्टनर्स के बीच का प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया गया है उसमें अकाउंटिंग पार्ट बहुत कम कवर का कवरअप किया है वो लोग कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए पीएल तरीके से वो सब चीज के बारे में बात नहीं उतना राइट कंपनीज का स्टेट्यूटरी ऑब्लिगेशन है बुक्स अकाउंट बनाना और उसी मैनर में बनाएगा जो मैनर कंपनीज एक्ट बोलता है कंपनीज एक्ट 2013 1956 वाला पुराना था ठीक है ये तुम लोग कंपनी लॉ लो में भी पढ़ा होगा या पढ़ेगा सो तो मैं उतना डिटेल में कवर नहीं करूंगा हर एक सेक्शन जस्ट मैं आपको खाली ये बता रहा हूं कि कंपनीज एक्ट में लिखा है कि कंपनी वाला लोग को बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपरली बनाना चाहिए एंड ट्रू एंड फेयर भी अचीव होना, होना चाहिए मतलब सारा कंप्लायंस होना चाहिए ऑडिटर आके फिर चेक करेगा अगर आपने सब कंप्लाई किया तो ऑडिटर क्लियर ओपिनियन दे देगा अनकालीफाइड ओपिनियन राइट तो सेक्शन 128 क्या बोलता है गवर्न बुक्स ऑफ अकाउंट्स ठीक है बोलता है कंपनी को मेंटेन करना है ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ट्रू एंड फेयर व्यू अफेयर्स ऑफ द कंपनी राइट अगर मेरा ब्रांचेस है तो उसका भी अकाउंट हमको मेंटेन करना है अप्रूवल बेसिस पे कैश बेसिस नहीं राइट right? आप लोगों को पढ़ाया है मैंने डबल एंट्री बुक कीपिंग सिंगल एंट्री नहीं आप लोग पढ़ा होगा अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड जहां पे अपने कैश डेटर केटर का हिसाब रखने से हो जाता है नहीं प्रॉपर आपको जनरल एंट्री वाला करना पड़ेगा राइट right. अभी इलेक्ट्रॉनिक मोड में आपको अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा क्योंकि अभी फर्स्ट अप्रैल से ऑडिट ट्रेल यूज हो गया है राइट right. जो जो ट्रांजेक्शन आप बैक डेट में जाके एडिट कर रहे हैं ऑडिट ट्रेल क्या होता है एक पायलट रन होता है उसमें सारा चीज आ जाएगा अब बैक डेट में जाके बहुत जन चेंज कर देता है ना हालांकि अब तो जीएसटी में आपको मंथली फाइलिंग करना पड़ता है तो ज्यादा आप छेड़कानी नहीं कर सकते फर्दर बहुत सारा कंपनीज पे ई इनवॉइसिंग अप्लाई हो रहा है अब बिल भी आपको ऑनलाइन निकालना पड़ेगा तो जितने भी फ्रॉडुलेंट चीज होते थे ना स्कैम्स वगैरह मनी लॉन्ड्रिंग का केसेस धीरे धीरे ये सब कम होता जा रहा है क्योंकि पहले क्या होता समय ज्यादा मिलता था तो लोग आसानी से कर पाते थे लेकिन अब समय कम मिलता है लाइव अगर तुमको कुछ करना है आधी के अभी तब बात अलग है तब दैट इज पॉसिबल लेकिन बैक डेटेड में जाकर चीज को बदलना नहीं तो आपको पूरा एडिट लॉग वगैरह मेंटेन करना पड़ेगा विद द डेट वेन सच चेंजेस वर मेड और ऑडिट ट्रेल को डिसेबल नहीं करना है राइट right? तो ये सब कंपनी लॉ का मेन पार्ट है तो सेक्शन 28 बोलता है 128 कि सारे कंपनी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है और अपना रजिस्टर्ड ऑफिस में रखना है इंक्लूडिंग इट्स ब्रांच ऑफिस राइट जो लोग भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में अकाउंटिंग कर रहे हैं कंप्यूटराइज एनवायरमेंट में उन लोगों को ऑडिट ट्रेल करना है और उसका एडिट लॉग मेंटेन करना है अगर पास्ट में जाके कोई भी डाटा को चेंज किया गया है क्लियर पूरा उतना डिटेल में पढ़ना ही नहीं है क्योंकि ये सब कंपनी लॉ का पार्ट है ठीक है ये सब दे आर टॉकिंग अबाउट मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स राइट ये हम लोगों को अकाउंटिंग रिलेटेड कोई बात नहीं बट इसमें मैंने मेंशन कर दिया है आप लोग इसको टाइम मिलने से पढ़ सकते हैं जस्ट गो थ्रू कर लीजिए एक बार ठीक है चलो आठ साल तक आपको बुक्स ऑफ वंश मेंटेन करना पड़ेगा अपने पास हो गया तो बुक्स ऑफ वंश बनाएंगे नहीं तो मेंटेन कहां से करेंगे तो बनाना जरूरी है ना विदाउट प्रिपरेशन हाउ कैन यू मेंटेन यू हैव टू प्रिपेयर फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगेन कंपनी लॉ का देखो प्रोविजन है यहां पे राइट right? हम लोगों को मालूम था खाली पीएल बैलेंस शीट देखो कितना कुछ बनाना है बैलेंस शीट बनाना है पीएल बनाना है कैश फ्लो स्टेटमेंट भी अब मैंडेटरी हो गया है हर कंपनी को बनाना पड़ेगा अर्लियर इट वॉज नॉट तो अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब खाली पीएल बैलेंस शीट नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट भी है कैश फ्लो स्टेटमेंट में बेसिकली सोर्सेस कैश फ्लो स्टेटमेंट में सोर्स एंड इट्स एप्लीकेशन राइट मतलब आपने जो कमाया मेरी जो कमाई है इस पैसे का मैंने क्या किया अक्सर हमारे माँ बाप हमको पूछेंगे जब मैं जॉब करने जाऊंगा बोला माँ मैंने यहां पे अपना एक घर बसा लिया है ऐसा हो सकता है बट फिर भी वो लोग तुमको पूछेंगे तुमने जो कमाया उसका क्या किया तो तुमने बोल तुम बोल सकते हो मैंने इन्वेस्ट किया है मैंने यहां एक घर लिया है उसका लोन चुकाया है राइट तो प्रॉपर सोर्स एंड एप्लीकेशन तो यहां पे वो भी बिजनेस का एक्टिविटी है ना उसको तीन हिस्सा में डिवाइड किया गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फाइनेंसिंग एक्टिविटी कि वॉट एवर यू हैव अर्न वॉट यू हैव डन विद दैट मनी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट आपने जो कमाया उन पैसों का आपने क्या किया ये जानना बहुत जरूरी है हम लोग राइट एंड नोट्स टू अकाउंट्स क्या क्या अकाउंटिंग पॉलिसी आपने फॉलो की है सब बताओ डिस्क्लोज करो इसके अलावा एक चीज और है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी बनता है ड्यूरिंग द ईयर आपने कितना फ्रेश इश्यू किया कितना नेट प्रॉफिट हुआ है कितना आपने डिविडेंड दे दिया आपने कुछ बाईबैक किया है कि नहीं बाई बैक का मतलब होता है कई बार कंपनी के पास जैसे एपेल एपेल अपना शेयर कितना बार बाई मतलब होता है सपोज मान लो आपने मेरे को पैसा दिया मैं उसे धंधा कर रहा हूं मैं आपको कमा के दे रहा हूं मैंने पहला साल कमाया उस पैसे को मैंने आपको डिविडेंड नहीं दिया वापस अपने पास रख लिया फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोल के एक एक पेपर है। उसमें आप लोग चीज पैसा पैसा बनता है, सबको मालूम है ये। interest, interest. तो प्रॉफिट को अगर खाके हजम कर जाओगे तो अगले साल भी उसी रुपया से बिजनेस कर रहे हो तो ग्रोथ कहां आएगा वेन यू डू बिजनेस विद मोर अमाउंट नेक्स्ट ऑन ग्रोथ इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट तब जाके आपका मल्टीप्लाई करेगा चीज एनीवे anyway, आप कितने सालों से ऐसे करते जा रहे करते जा रहे आप एक, एक लेवल पे पहुंच जाएंगे मेच्योरिटी लेवल पे अब इसके ऊपर और कुछ नहीं है बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है जिधर देख रहे उधर गड्डी पड़ा हुआ है राइट right? किचन बोलो हर जगह आप देखेंगे पैसा से पूरा घर भर गया है समझ नहीं आ रहा क्या करूं तो आप क्या करेंगे जब कंपनी में ऐसा सिचुएशन होगा कि समझ नहीं आ रहा क्या करना है उनका पैसा उनको लौटा दो उसको बोलते बाईब रिपर्चेज ऑफ ओन स्टॉक तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में पूरा ब्रेकअप देना पड़ता है ये आपका ओपनिंग शेयर था इतना आपने फ्रेश इश्यू किया इतना आपने बाइबैक कर लिया ये आपका रिजर्व एंड सरप्लस का पोजीशन है इसमें आपने इतना कमाया इसमें आपने इतना डिविडेंड दे दिया तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट तो फाइव थिंग्स कम्स अंडर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट पीएल कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड नोट्स नोट्स टू टू अकाउंट्स अकाउंट्स में पूरा प्रॉपर होना चाहिए क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी इन्वेस्टमेंट आर कैरीड फॉरवर्ड एट कॉस्ट हमने इस एसेट का इस बार रिवैल्यूएशन किया है राइट right? प्रॉपर कुछ कुछ कंपनीज को कैश फ्लो बनाने का दरकार नहीं है छोटी कंपनीज डॉर्मेंट कंपनीज वन ओपीसी वन पर्सन कंपनी इन सब केसेस में कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का दरकार नहीं है अब आते हैं हम लोग मेन बात पे प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन दोनों पे फोकस किया गया है पीपी इट्स नॉट अबाउट ओनली प्रिपरेशन इट्स अबाउट प्रेजेंटेशन ऑल्सो हाउ यू नीट टू प्रेजेंट अ डाटा दैट इज मोर इंपॉर्टेंट सोल में जैसे तैसे बना दिया टी फॉर्मेट में इनर कॉलम आउटर कॉलम फर्क पड़ता है यहाँ फर्क पड़ता है सोल में बैलेंस शीट बनाया टी फॉर्मेट में इधर एसेट्स या लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर ऐसे करके लिख दिया कंपनी में आप ऐसे नहीं लिख पाएंगे कंपनी में आप एक ग्रुप बनाएंगे पीपीई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट उसके अंदर में आप ये तीनों दिखाएंगे प्रेजेंटेशन है ना यहां ट्रेड रिसीवेबल लिखा लेस प्रोविजन फॉर बेट डिप्ट ऐसे नहीं होता है ये जो डेटर है ये जो डेटर है इसमें उधारी कितना है सर डेटर तो उधारी का ही होगा कितना उधारी से क्या फर्क पड़ता है कितना उधारी कितने दिन से बाकी है मोर देन सिक्स मंथ्स लेस देन सिक्स मंथ्स प्रॉपरली डिस्कलोज करना पड़ेगा आज इतना सारा बैंक जो पैसा लोग लेके भाग गया या नुकसान कर गया

इतना सारा लॉस आ जाएगा बुक्स में है ना तो बैंक उसको पाल के रखता था बैंकिंग कंपनीज कंपनी लॉ गाइड नहीं करता उसको बैंकिंग कंपनी को आरबीआई आरबीआई गाइडलाइंस देता है और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी के लिए आईआरडीए, इंश्योरेंस एक्ट तो वहां पे आरबीआई बोलता है कि अगर आपका डेटर इतना दिन से ज्यादा उधारी बाकी है मतलब अब उससे पैसा आने का कोई उम्मीद नहीं है उसको बैटडेप दिखाओ तो यहां पर भी आप प्रेजेंट करेंगे जिसे शेयर होल्डर को मालूम रहे ये डेटर कितने सालों से बाकी है मतलब इससे पैसा आने का कोई उम्मीद नहीं है लेकिन फिर भी आपने इसको पाल के रखा है क्यों जवाब दीजिए जीरो टू थ्री मंथ कितना है पहले जीरो टू सिक्स मोर देन सिक्स अभी अलग अलग ब्रेकअप्स आ गया है इसमें हम लोग बात करेंगे इसके बारे में तो कहीं ना कहीं प्रिपरेशन में कोई चेंज नहीं है प्रेजेंटेशन में चेंज है राइट right? तो इन सब चीजों के बारे में हम लोगों को बात करना है राइट एक सौ बुक्स ऑफ अकाउंट से डील करता है वन ट्वेंटी नाइन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ट्रू एंड फेयर भी मतलब सारा कंप्लायंस हुआ हो देखो कंप्लाई विथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्लियर आईसीआई वाला नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हालांकि रिकमेंडेशन आईसीआई देगा तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो बॉडी बनाया ना राइट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो बॉडी बनाया उसका बॉडी का नाम है नकास नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नकास ठीक है जितनी भी कंपनी है आईसीआई इशू नहीं आईसीआई रिकमेंड कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को चीज को समझो क्योंकि दे आर द अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स उनके पास ही नॉलेज है सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करेगा नकाश जो बॉडी बनाया राइट right? यहां पे देखो लिखा भी एज रिकमेंडेड अब आप मैं आपको बहुत सारा चीज बताऊंगा जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है नथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट इंश्योरेंस कंपनी बैंकिंग कंपनी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी क्योंकि इनके लिए प्रिस्क्राइब अलग से एक्ट है बैंकिंग कंपनी के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है ये लोग आरबीआई का गाइडलाइंस फॉलो करता है तुमको शॉर्ट क्वेश्चन आएगा ऑन विच टाइप ऑफ कंपनी अकाउंटिंग ऑन विच टाइप ऑफ कंपनीज अकाउंटिंग कंपनी लॉ सेक्शन 129 इज नॉट एप्लीकेबल बैंकिंग कंपनी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आरबीआई गाइडलाइंस इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस एक्ट एंड आई नॉर्म्स राइट देख लो सब दिया यहां पे। आई आर डी ए इंश्योरेंस एक्ट बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट इलेक्ट्रिसिटी एक्ट नाउ, ये भी तुम्हारे करिकुलम में पहले हम लोग नॉर्मल कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सीखेंगे फिर कंसोलिडेटेड वाला सीखेंगे अगर सपोज एक्स लिमिटेड है जो वाई लिमिटेड का सत्तर परसेंट शेयर होल्ड करता है राइट right? एक्स अपना बैलेंस शीट बनाएगा वाई अपना बनाएगा दोनों अपना अपना बैलेंस शीट बनाएगा लेकिन एक्स को वाई के साथ मिलके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाना है अगर मैं किसी कंपनी का मोर देन फिफ्टी परसेंट शेयर होल्ड करता हूं मतलब आई एम द पेरेंट कंपनी वो मेरा सब्सिडरी कंपनी आई एम द होल्डिंग कंपनी तो मैं अपना तो बनाऊंगा ही इन एडिशन देखो वर्ड लिखा है यहां पे इन एडिशन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरे को कंसोलिडेटेड भी बनाना है आर यू गेटिंग माई पॉइंट होल्डिंग कंपनी है हमारे सिलेबस में राइट अगर कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कंप्लाई नहीं कर रहा है डेविएशन बताना पड़ेगा रीजन ऑफ सच डेविएशन एंड फाइनेंशियल इफेक्ट, डिस्क्लोज करना पड़ेगा आपको क्या लॉजिक है आपको ये एस अब क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं? कुछ कुछ इंडस्ट्री स्पेसिफिक रूल्स होते हैं जैसे अगर मैं बात करूं कंस्ट्रक्शन कंपनी का कंस्ट्रक्शन कंपनी में प्रोडक्ट रेडी होने में तीन चार साल लग जाता है मैंने किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में अगर पैसा लगाया है राइट इफ आई हैव पुट सम मनी इन द कंस्ट्रक्शन कंपनी सो आई एक्सपेक्ट कि कंस्ट्रक्शन कंपनी मेरे को एनुअल कुछ ना कुछ वापस करे लेकिन कंस्ट्रक्शन कंपनी क्या बोल रहा है चार साल में हमारा प्रोडक्ट बनकर रेडी होगा जिसका भी हम लोग बिल्डिंग बना रहे वो हमको चार साल में पैसा देगा चार साल बाद प्रॉफिट लेने आना हाउ इज इट पॉसिबल ब्रो टेल मी कैसे होगा क्या बात कर रहे हैं आप आप क्या चार साल तक कस्टमर से कुछ रहा मैं थोड़ा थोड़ा तो एडवांस ले रहा हूं उसी के बेसिस में प्रॉफिट रिपोर्ट करिए तो लॉजिक देना पड़ेगा हालांकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है बट फिर भी अगर नहीं है तो सारे इंडस्ट्री स्पेसिफिक के लिए मेरे को लॉजिक देना पड़ेगा अगर मैं कुछ भी नॉर्मल से डेविएट हो रहा हूं तो मेरे को लॉजिक देना पड़ेगा राइट खाली जस्ट रीड करना है आपको जो भी फॉर्मेट है शेड्यूल थ्री ऑफ कंपनीज एक्ट में पूरा मेंशनड है आपको वो फॉलो करना है राइट right, फॉर्मेट को अच्छे से देखना अगर फॉर्मेट नहीं याद रहेगा तो बहुत सारा चैप्टर से कंपनी कॉरपोरेट अकाउंटिंग आप नहीं कर पाएंगे जितनी कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट उन लोगों को शेड्यूल थ्री के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है ऑल कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट कंपनीज एक्ट फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट पीएल डिस्कलोजर्स ऑल कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट वर्टिकल फॉर्मैट करेंट एंड नॉन करेंट करेंट होता है विद इन ट्वेल्व मंथस फ्रॉम बैलेंस शीट और ये लॉन्ग टर्म एसेट में भी करेंट नॉन करेंट लाइबिलिटी में भी करेंट नॉन करेंट राइट पीएल का भी वर्टिकल फॉर्मेट है टी फॉर्मेट नहीं है सबसे आसान पीएल है सबसे आसान पीएल कॉरपोरेट अकाउंट हमारा जो इंडियन कंपनी लॉ है ना जो शेड्यूल थ्री में जो पीएल का फॉर्मेट दिया है राइट right? बैलेंस शीट जितना भी बैलेंस शीट बनेगा लाइबिलिटी में मैंने आपको बताया ना बारह महीने के अंदर अंदर कौन सा लाइबिलिटी पेबल है वो करेंट लाइबिलिटी बियॉन्ड दैट नॉन करेंट लाइबिलिटी एसेट में जितना भी करेंट एसेट है सब बारह महीने के अंदर अंदर पैसा कैश में कन्वर्ट हो जाएगा करेंट एसेट फर्नीचर पांच साल तक यूज करेंगे लैंड एंड बिल्डिंग यूज करेंगे मोर देन वन ईयर इस तरीके से वो सब नॉन करेंट में आएगा राइट right? पहला बात तो टी फॉर्मेट नहीं वर्टिकल फॉर्म है कौन सा फॉर्मेट है वर्टिकल फॉर्म तो वर्टिकल में मतलब ऐसे लंबा लंबी बनेगा तो बैलेंस शीट में लंबा लंबी कैसे बनेगा पहले लाइबिलिटी साइड आएगा इक्विटी आएगा लाइबिलिटी आएगा लाइबिलिटी में करेंट नॉन करेंट डन उसके बाद एसेट आएगा नीचे या अगर मैं यूके में बात करूं यूके का यूके में भी वर्टिकल फॉर्मेट होता है लेकिन पहले एसेट्स आता है नीचे लाइबिलिटी आता है उनका सब कंट्री में अपना अलग अलग रूल है तो ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट हो गया बेसिक फॉर्मेट पहले इक्विटी शेयर कैपिटल वगैरह फिर लाइबिलिटी में करेंट सॉरी नॉन करेंट करेंट फिर एसेट में भी नॉन करेंट करेंट पीएल में कैसा आएगा पहले सारा इनकम आएगा टोटल फिर सारा एक्सपेंडिचर टोटल फिर टोटल इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करके प्रॉफिट आएगा यहां पे जो पीएल का फॉर्मेट है ना इसको नॉन फंक्शनल बोलते हैं क्या बोलेंगे इसको नॉन फंक्शनल पीएल है ये सारा लेबर पेमेंट्स एक साथ दिखाओ भले ही वो प्रोडक्शन स्टाफ का हो भले ही वो सेल्समैन का हो भले ही वो अकाउंट्स का हो किसी का भी हो टोटल लेबर पेमेंट एक साथ आएगा अपन जब पीएल बनाते थे का क्या करते थे प्रोडक्शन रिलेटेड सब ट्रेडिंग में आता था उसके नीचे वाला सब पीएल में आता था मतलब वेजेस पेड टू प्रोडक्शन ट्रेडिंग में आता था सेल्समैन सैलरी नीचे आता था बट अब क्या होगा टोटल लेबर पेमेंट एक साथ इकट्ठा करके लेबर पेमेंट में आ जाएगा प्लांट एंड मशीनरी का प्रोडक्शन रिलेटेड अगर कोई डेप्रिसिएशन है तो वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आता था नॉर्मल ऑफिस फर्नीचर का डेप्रिसिएशन पीएल में आता था बट यहां पे टोटल डेप्रीशिएशन बोलकर डेप्रिसिएशन हेड में आ जाएगा राइट सो बेसिकली यहां पे नॉन फंक्शनल कोई रिलेशन नहीं होगा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में जो अपन पीएल बनाते हैं ना उसे रेशियो एनालिसिस करना बहुत मुसीबत का बात है क्योंकि रेशियो एनालिसिस आप फंक्शनल पीएल से ही कर सकते हैं नॉन फंक्शनल पीएल से आप रेशियो एनालिसिस नहीं कर पाएंगे पुराना जो कंपनी लॉ था उसमें शेड्यूल्स होता था नाम याद रखना पड़ता था इक्विटी शेयर कैपिटल का शेड्यूल 1 लॉन्ग टर्म बोरिंग का शेड्यूल 2 इस तरीके से लेकिन अब ऐसा नहीं है अब नोट्स नोट्स टू अकाउंट्स है अब शेड्यूल बोल के नहीं आएगा अब नोट्स टू अकाउंट्स बोल के आएगा अगर किसी में एक ही आइटम है तो सीधा फिगर बाहर लिख देंगे अगर मल्टीपल आइटम्स है उसके अंदर में तो उस तरीके से लिखेंगे पहले डेबिट बैलेंस एसेट साइड में आता था डेबिट बैलेंस इन पीएल मतलब लॉस लेकिन अब पीएल का डेबिट बैलेंस रिजर्व एंड सरप्लस में ही आएगा बट नेगेटिव बोल के आएगा कुछ कुछ पॉइंट्स के बारे में स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन क्यों दिया हुआ है मालूम है क्योंकि ये 1956 से लेके 2013 में जो चेंजेस आया उसके बारे में बात हो रहा है मैं आपको एक कंपनी दिखाता हूं सपोज करो यह कंपनी एक इसका कैपिटल है वन सीआर यहां पर रिवैल्युएशन प्रॉफिट है वन सीआर इधर में एसेट है पॉइंट फाइव सी आर और पीएल डेबिट मतलब लॉस वन पॉइंट फाइव सी आर टोटल कितना दो करोड़ हो गए हां अभी जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है वो क्या बोल रहे हैं एज पर न्यू बैलेंस शीट फॉर्मेट न्यू कंपनीज एक्ट 2013 और ये है 1956 वाला नया कंपनी लॉ क्या बोल रहा है कैपिटल वन सीआर रिजर्वेंस प्लस पॉइंट फाइव करोड़ नेगेटिव गवार हो क्या इधर में प्रॉफिट दिखा रहे हो और यहां पे लॉस दिखा रहे हो बैलेंस शीट टोटल दो करोड़ कौन बोला तुमको नया कंपनी लॉ बोलता है जितने भी प्रॉफिट्स हैं अलग अलग हेड्स में आप सबको नेट करके दिखाएंगे तो एक करोड़ से मैं डेढ़ करोड़ माइनस करूंगा तो पॉइंट फाइव करोड़ नेगेटिव आया एसेट मेरा पॉइंट फाइव करोड़ टोटल कितना आ रहा है ये मेरा औकात है ये औकात नहीं है मेरा दो करोड़ का बैलेंस शीट है इसको के क्या लग रहा है दो करोड़ का बैलेंस शीट है बैलेंस शीट है कितने का पॉइंट फाइव करोड़ बोला लॉस को भी आप नेगेटिव आइटम बोल के दिखाएंगे तो एक करोड़ से डेढ़ करोड़ माइनस होने से पॉइंट फाइव नेगेटिव ठीक है कहीं पर भी एम्बिग्विटी आता है कंफ्यूजन आता है हमेशा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे कहीं पर भी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ज्यादा रेलिवेंस देंगे ठीक है ये जनरल इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ सकते हैं कोई काम नहीं है इसका हम लोग का जस्ट गिव अ रीडिंग एट होम सेल्फ रीड करना है क्योंकि ये सब अगर नहीं मालूम होगा ना तो आप कभी भी पीएल बैलेंस शीट नहीं बना पाएंगे क्योंकि काफी सारा इंफॉर्मेशन है इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं सारा इंफॉर्मेशन आपको बताऊं कुछ कुछ छोटा छोटा रिक्वायरमेंट है ये राउंड ऑफ का गाइडलाइंस है बड़ा बड़ा फिगर्स को मिलियंस को करोड़ को सौ करोड़ दो सौ करोड़ को सात सात जीरो बढ़ा के लिखने का कोई दरकार नहीं है ठीक है डिपेंडिंग अपॉन द टोटल इनकम द फिगर्स अपेयरिंग स्टेटमेंट शुड बी राउंड हंड्रेड करोड़ के नीचे अगर आपका टोटल इनकम है वन हंड्रेड करोड़ रुपीज हंड्रेड में राउंड ऑफ कर सकते थाउजेंड में कर सकते लैक्स में कर सकते मिलियंस में कर सकते सो करोड़ के ऊपर है लैक मिलियंस रुपीज में कर सकते हैं राइट right? ये राउंड ऑफ का गाइडलाइंस अभी नया आया है कंपनी रिवाइज किया गया है तो राउंड ऑफ का गाइडलाइंस दिया हुआ है एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट आप यूज करेंगे मल्टीपल यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज नहीं होगा अगर मान लो मेरा फॉरेन में ऑपरेशन चल रहा है यूएस में भी वहां एक मेरा ब्रांच है तो उसके सारे डाटा किस में प्रेजेंटेड होंगे डॉलर में सर अभी तो आपने बोला कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपको अपना डिटेल प्लस ब्रांच का भी मेंटेन करना है शेयर होल्डर को तो आप टोटल इनकम रिपोर्ट करेंगे ना तो आईएनआर में डॉलर कैसे ऐड होगा उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इलेवन है अगर आपका कोई भी फॉरेन ऑपरेशन हो रहा है तो उन सब फिगर्स को आप ईयर एंड में आई में कन्वर्ट करेंगे वहां पे रूल्स दिया हुआ कन्वर्जन का कि कौन सा डॉलर वाला रेट से कन्वर्ट होगा राइट right? उसको आई में कन्वर्ट करके अपना वाला फिगर के साथ ऐड करके आप रिपोर्ट करेंगे ठीक बैलेंस शीट में क्या क्या डिटेल रहता है एसेट्स का लाइबिलिटीज और इक्विटी अगर ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट याद हो तो बड़ी बड़ी कंपनीज को इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनाना पड़ता है उ फ्रीक्वेंटली यू विल प्रीपेयर बैलेंस शीट व एंड ऑफ द इ लेकिन कुछ कुछ स्पेसिफिक जो जिसकी टर्न ओवर एक सर्टन लिमिट को क्रॉस कर रही है उनको अपना इंटरनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाना हर तीन तीन महीने में हर छह छह महीने में राइट right? तो बैलेंस शीट का शेड्यूल थ्री में दो पार्ट है पार्ट वन में बैलेंस शीट है पार्ट टू में पीएल है तो पहले बैलेंस शीट का बात करेंगे देख लीजिए इक्विटी लाइबिलिटीज एंड एसेट्स शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल आएगा इस शेयर कैपिटल में आपका इक्विटी प्रेफ़रेंस शेयर कैपिटल अलग अलग आएगा जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस रिवैलशन पीएल का डेबिट बैलेंस ये सब आएगा शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट क्या होता है हमने शेयर होल्डर से इन्वेस्टर से पैसे ले लिए हैं बट अभी तक उनको शेयर अलॉट नहीं हुआ है सो so ये शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट का अलग से हेड है तो so यहां पे टोटल में चार ग्रुपिंग है एक दो तीन और चार नॉन करेंट लाइब्रिटी में क्या आएगा लॉन्ग टर्म बॉर्वइंग लॉन्ग टर्म प्रोविजंस जैसे ग्रेच्युटी ग्रेच्युटी क्या होता है हमारे यहां पे ये आदमी इतने सालों से काम कर रहा है ईमानदार है आज से दस साल बाद ये रिटायर करेगा मैं इसको बीस लाख रुपया गिफ्ट में देना चाहता हूं उसको ग्रेचुअटी बोलते अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक सर्टेन नंबर ऑफ एम्प्लॉय को क्रॉस करेगा तो आपको मैंडेटरीली ये चीज करना पड़ेगा देना पड़ेगा इन अप्रीशिएशन ऑफ योर पास सर्विसेज हालांकि उसमें कुछ एप्रिशिएटेड कुछ था नहीं वैसा तुमको इतना साल से हम रख के रखे हो बड़ी बात है लेकिन फिर भी बोलना पड़ेगा इन अप्रीशियशन ऑफ योर पास सर्विसेज हम धन्य हो गए तुमको रख के तो उसके लिए हम तुमको ये इनाम दे रहे हैं बहुत लोग तो हक से मांगता है इसीलिए इसको लॉ बनाया गया कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक सर्टेन लिमिट को क्रॉस करेगा नंबर ऑफ एम्प्लॉज तो आपको ग्रेच्युटी का प्रोविजन को फॉलो करना है तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन शॉर्ट टर्म बोर्ग ट्रेड पेबल टीपी इसमें और भी है शॉर्ट शॉर्ट में बता रहा हूं मैं शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, अदर करेंट लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये सब राइट शॉर्ट टर्म वॉरिंग बैंक ओडी वगैरह ट्रेड पेबल मतलब क्रेडिट और फॉर गुड जो उधारी होता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन मतलब टैक्स का प्रोविजन कंपनी में टैक्स कंपनी का खर्चा माना जाता है प्रोप्राइटरशिप में टैक्स ओनर का पर्सनल ऑब्लिगेशन है लेकिन कंपनी में टैक्स कंपनी का ऑब्लिगेशन है तो इस साल आपने जो कमाया उस पर टैक्स आप अगले साल देंगे असेसमेंट ईयर में वॉट एवर यू अर्न दिस ईयर यू पे टैक्स इन नेक्स्ट ईयर एज पर प्रूडेंस प्रिंसिपल जो टैक्स आप नेक्स्ट ईयर देंगे उसका प्रोविजन बनाएंगे वही आएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन में राइट right? पहले प्रपोज डिविडेंड भी आता था बट एज पर रिवाइज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अब से आप डिविडेंड प्रपोज नहीं कर सकते जब देना है सीधा आप डिविडेंड बांट दीजिए कोई प्रपोज बोल के कुछ नहीं होगा पीपीई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स मतलब करेंट इन्वेस्टमेंट्स इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल कैश एंड इक्विवेलेंट ये सब मेन हेडिंग्स हैं राइट क्लियर दीज आर द मेन ग्रुप्स सो लाइबिलिटी में शेयर होल्डर फंड शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट नॉन करेंट लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी एसेट में दो ही है नॉन करेंट एसेट करेंट एसेट शेयरहोल्डर फंड में कैपिटल और रिजर्वेंस प्लस आएगा नॉन करेंट लाइबिलिटी में लंबा लंबा लोन लंबा लंबा प्रोविजन करेंट लाइबिलिटी में छोटा छोटा लोन ट्रेड पेबल क्रेडिटर्स छोटा छोटा प्रोविजन जो अगले साल देना है और अदर करेंट लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग वगैरह एसेट में नॉन करेंट एसेट में फिक्स्ड एसेट पीपीई लंबा लंबा इन्वेस्टमेंट्स करंट एसेट में छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट्स इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल कैश एंड बैंक और भी आइटम्स है बट आगे जाके देख लेंगे देखिए ठीक है तो इसको आप लोग स्टडी करके आइएगा नेक्स्ट क्लास ये होमवर्क रहेगा आपका ठीक है ये आप लोग का होमवर्क रहेगा इसको स्टडी करके आइएगा जैसे देखिए इसमें हमने पूरा ही सब कुछ बता दिया शॉर्ट टर्म बरइंग स्ट्रेट पेबल अदर करोविजन इसपे मैंने ये बता ही दिया था इस पर ये वाला ये वाला बता दिया था शेयर वॉरेंट्स किसी क्लब का आपको अगर मेंबरशिप चाहिए ना वेटिंग पीरियड चल रहा है मतलब आप मेरे को पैसे दे रखिए मैं फ्यूचर में आपको शेयर अलॉट करूंगा और ये कौन सा चीज है ये आपने अभी एप्लीकेशन मनी दिया है और ईयर एंड में अभी तक अलॉटमेंट डेट आया नहीं है ये वो है शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट ये हो जाएगा इन द नियर फ्यूचर इट विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर लेकिन ये फ्यूचर में कन्वर्ट होगा कंपनी तीन साल चार साल बाद शेयर अलॉट करेगी इसको शेयर वॉरेंट्स बोलते हैं राइट right? इसके बारे में आप लोग थोड़ा रिसर्च करके आइएगा ठीक है नहीं नहीं डेफर टैक्स में अलग ही चीज है इसको थोड़ा पढ़ के आइएगा एसेट में देखिए ये मेरा पीपीई है हाँ? अच्छा इसमें इनटेंजिबल एसेट भी आएगा पीपी हो गया टेंजिबल एसेट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट और इंटेंजिबल एसेट्स। एसेट नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट हमने बता दिया डेफर टैक्स रिसर्च करने बोला लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस किसी को एडवांस दे दिया लंबा राइट अदर करंट एसेट राइट अदर नॉन करेंट सॉरी ये नॉन करेंट अदर नॉन करेंट जैसे मान लो अपने जब डिवेंचर इश्यू करते, तो करते हैं तो डिस्काउंट में इश्यू करते हैं उस डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर को हम लोग थोड़ा थोड़ा करके पीएल में राइट ऑफ करेंगे एक साथ नहीं तो जो नॉट रिटर्न ऑफ पोर्शन है वो इधर आएगा शेयर इश्यू एक्सपेंसेस वो वाला पोर्शन है हम लोग बात करेंगे इसके बारे में चर्चा करेंगे इधर में करंट इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल कैश छोटा छोटा जैसे कोई स्टाफ एडवांस ले लिया और अदर करंट एसेट एनी प्रीपेड एक्सपेंस एक्रूड इनकम ये सब चीज ठीक है तो ये पूरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट है वर्टिकल फॉर्मेट ये नीचे एसेट दिया हुआ है ठीक है तो आप लोग इसको पढ़कर आइएगा फिर हम लोग आगे बात करेंगे इसमें अब आगे जाके क्या क्या चीज डिस्क्लोज करना है राइट right? ये सब चीज के बारे में बात होगा और सारा एक एक, एक, -एक क्लासिफिकेशन को समझाएगा आगे जाके इसमें क्या, इसमें क्या आएगा इसमें क्या आएगा इसमें क्या आएगा इस तरीके से हाँ थोड़ा तुम लोग रीड करके आना ना मैं ज़्यादा नहीं डिटेल में नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि आइटम सारा तो बता दिया मोस्ट ऑफ देम थोड़ा थोड़ा करके वी विल एक्सप्लेन